गळा भेट घेत एकमेकांना ईद मुबारक करत शहरात मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद उत्साहात साजरी केली पुण्यातील मुस्लिम बांधवांनी गोळीबार मैदानाजवळील ईदगा मैदानावर सामूहिक नमाज पठण केलं यामध्ये हजारो मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते यानंतर एकमेकांची गळा भेट एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा देखील दिल्या याशिवाय मैदानाबाहेर राजकीय नेत्यांनी गुलाब पुष्प देऊन मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या इस्लाम धर्मात पवित्र असा महिना समजला जाणाऱ्या रमजान महिन्याच्या शेवटी रमजान ईद साजरी केली जाते सर्वधर्मीय नागरिकां उपस्थित राहून सामाजिक एकतेचा संदेश दिला ये डेक्कन मस्जिद करीबन दो सौ ढाई सौ साल पुरानी है यहाँ पर हर साल ईद की नमाज़ होती है बकर की भी नमाज़ होती है हर साल यहाँ पर कम से कम आठ सौ साढ़े आठ सौ लोग नमाज़ पढ़ते हैं आज तक कभी इधर प्रॉब्लम नहीं हो गया हर टाइम खुशहाली है और भाईचारा के तरीके से हम लोग यहाँ पर नमाज और तरीके ये करते हैं और पुलिस का भी पूरा सपोर्ट होता है आज सभी को रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद मुबारक सभी को हम इस महीने पूरे महीने रोजे रखते हैं सुबह चार बजे उठ के सहरी करके दिन भर हम रोज़ा रखते हैं। फिर शाम को हमारा तराबी का नमाज होता है तराबी का नमाज रात को दस साढ़े दस बजे तक रहता है उसमें हम पूरे कुरान शरीफ की तिलावत करते और हम सभी मतलब महीने भर के रोज़े करने के बाद में आज दिन के दिन फितर की नमाज़ अदा करके सभी को रमजान ईद मुबारक करते और सभी को खुशियाँ और जितने भी गौर गरीब है उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह के पास हम रो रो के दुआ करते हैं कि हमें अच्छी नौ एक तोहफ़ी कथा और आप सभी को भी न एक तोहफ़ी फरमाए, आप सभी को रमजानित की बहुत बहुत शुभकामनाएं